और आज लाडली बहन योजना के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं को सशक्त बनाने वाली महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का लाभ सभी पात्र महिलाओं को मिले और कोई भी महिला इस योजना से वंचित ना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि सभी नागरिकों का समय सीमा में समग्र पोर्टल पर EKYC कराया जाए। जिसको देखते हुए सीहोर के सभी आधार केंद्रों पर महिलाओं की भारी भीड़ दिखाई दी। सीहोर अपर कलेक्टर हर्ष सिंह ने बताया कि 25 तारीख के पहले समग्र पोर्टल पर महिलाओं की EKYC होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना के लिए 25 मार्च से पंजीयन प्रारंभ होगा। सीहोर कलेक्टर ने सभी पंजीयन का कार्य व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास अधिकारी को जिले में लगाए जाने वाले कैंप का शेड्यूल जारी करने तथा नियमित रिपोर्टिंग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लाडली बहना योजना के पंजीयन के व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए सभी SDM जनपद CEO एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जिले में 3,59,000 महिलाओं के समग्र पोर्टल पर EKYC की जाना है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत पात्रता की मुख्यतः 3 कंडीशन है। पहला ये है कि मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला हो, दूसरा विवाहित हो जिसमें विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा सभी शामिल हैं, और आवेदन के कैलेंडर वर्ष जो अभी है अर्थात 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हूँ महिला और 60 वर्ष की आयु से कम हो। इसके अतिरिक्त कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है वो उसमें लगातार उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जैसे कि परिवार भी सम्मिलित आए 2.5 लाख से अधिक हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ऐसी भी कुछ कंडीशन है वो भी उसमें शामिल है। हमारे यहाँ करीब 61 अभी कार्यरत है, हमने सबको मीटिंग बुला के कहा है कि ये जितनी महिलाएं वहाँ पे अपना आधार अपडेट कराने के लिए आ रहे हैं इसको जल्द से जल्द किया जाए, मोबाइल नंबर भी अपडेट करना है तो जल्द से जल्द किया जाए, निर्देश जारी कर चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अब ये बिल्कुल सही